हेलो दोस्तों, क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि एक IAS ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? हमारे देश में सिविल सर्विसेज परीक्षा को देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, तो यह सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं एक IAS ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। सो हाय गाइज, मैं हूँ प्रवीण, आप देख रहे हैं मेरा चैनल, लेट्स स्टार्ट इट। देश के सर्वोच्च सेवा IAS को कितनी सैलरी मिलती होगी, हर कोई जानना चाहता है और जानना भी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक IAS ऑफिसर बनना बड़े सपने के सच होने जैसा है, और हो भी क्यों ना। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो यह सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित नौकरी है, जो कुछ अलग करने के लिए पर्याप्त अधिकार के साथ ही शक्ति भी प्रदान करती है। लेकिन आपको बता दें, कोई भी IAS होना इसलिए नहीं चुनता कि उसे ज़्यादा सैलरी मिले। कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे भी हैं जहां IAS की सैलरी से भी अच्छा पैकेज मिलता है। असलियत तो यह है कि किसी भी IAS अधिकारी को वेतन के अलावा जिस प्रकार के विभिन्न भत्ते और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं, वो किसी भी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक सपना ही हो सकता है। सिविल सर्विसेज में काम करने वाले सभी पदों के अधिकारियों की सैलरी शुरुआत में एक बराबर होती है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद शुरुआत में IAS रैंक के अधिकारियों की सैलरी 50,000 रुपये होती है। इसके अलावा TA यानी कि यात्रा भत्ता, DA यानी कि महंगाई भत्ता, HRA यानी कि घर का किराया भत्ता, इसके अलावा और भी कई भत्ते और लाभ शामिल हैं। समय और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी लगभग 2,70,000 रुपये होती है। कहने की जरूरत नहीं कि पूरी नौकरशाही में सबसे अच्छा भुगतान पाने वालों में केंद्र सरकार के कर्मचारी हमेशा टॉप पर आते हैं, और IAS अधिकारी इस व्यवस्था के शीर्ष पर होता है। DA सैलरी का 7% और TA यात्रा के अनुसार दिया जाता है। HRA सैलरी का 8 से 24% होता है। अगर आपको सरकारी घर दिया गया है तो HRA आपको नहीं मिलेगा। इस हिसाब से शुरुआत में किसी भी IAS अधिकारी की सैलरी 50,000 रुपये प्लस TA प्लस DA प्लस HRA होती है, उसके बाद उनके अनुभव के हिसाब से बढ़ती रहती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड चल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।